हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्लेस ऑफ मिस्ट्री में। मैं आप सभी का दोस्त वीरू सिंह जाट। आज हम आए हैं आसिरगढ़ की एक ऐसी इमारत जो कि बहुत ही प्राचीन है, और यह है प्राचीन ईदगाह। तो हम इस ईदगाह पर आज घूमेंगे और देखेंगे कि यह प्राचीन ईदगाह कैसी है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और इसकी खूबसूरती और इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, यह प्राचीन ईदगाह कुछ इस तरीके से दिखती है और यह बहुत ही खूबसूरत है, और इसे कई साल हो गए हैं बने हुए, मगर आज भी ये अपने इसी रूप में खड़ी है। और इस पे देखिए, पहले इस तरीके से काम किया था, अब इसके कुछ प्लास्टर वगैरह निकल रहा है जो कि अभी की कंडीशन में अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये आज भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से खड़ी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए छेनी हथौड़ी के निशान दिख रहे हैं और ये इस जगह के प्लास्टर गिर रहा है, बट ये आज भी बहुत ही खूबसूरत दिख रही है। और देखिए यहाँ पर एक मीनार है जो कि इस तरीके से दिखती है और ये बहुत ही खूबसूरत है। आपको ये जो खिड़कियाँ दिख रही है, ये ऊपर की मंजिल है और हमें इस मंजिल पर भी जाना है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और आपको ये जो दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों ही मिंबर है, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है काबा, इसे काबा कहा जाता है। और देखिए ये भी एक काबा है जो आप ये देख रहे हैं, ये भी एक काबा है, और इसके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके से गुंबद बने हुए हैं जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और यहाँ से देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखता है जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। और आपको ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा ग्राउंड है, यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी और यहाँ पर जो मौलवी होते थे वो नमाज पढ़ते थे। इन दोनों ही जगह पर जैसे ये इन दोनों ही जगह पर मौलवी नमाज पढ़ते थे। अब चलिए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि अंदर से ये है कैसी। यहाँ पर एक खिड़की टाइप का बना है जहाँ से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है, और देखिए यहाँ पर उर्दू में कुछ लिखा है। उर्दू या फारसी दोनों में से एक लैंग्वेज है जो लिखी हुई है, मुझे प्रॉपर समझता नहीं है कि ये उर्दू है कि फारसी है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखती है। तो देखिए ये कुछ दोनों ही एक जैसी दिख रही है, तो इधर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये फ्लावर बना हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो अंदर जाने का इस मीनार से रास्ता है, तो देखिए ये मीनार पर भी कुछ इस तरीके से ये छोटे छोटे रोशनदान बने हुए हैं, और यहाँ से इसका जाने का रास्ता बना हुआ है। तो हम अंदर आ जाते हैं। अंदर आते से ही हमारी आवाज कुछ इस तरीके से गूंजती है, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से रोशनदान है और चारों तरफ से यह मीनार कुछ इस तरीके से दिखती है, और फिर यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता दिखता है। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ऊपर से यह मीनार कैसी दिखती है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से ये सकरा रास्ता है, और यहाँ पर चलना काफी मुश्किल है। यहाँ पर तो मैं ठीक से खड़ा हो पा रहा हूँ, मगर कुछ आगे पे जाने के बाद मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं पहुंचता हूँ ऊपर टॉप पर, तो मैं यहाँ पर पूरी तरीके से खड़ा नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा सर यहाँ पर टकराएगा। और ये इस तरीके से क्यों बनाया, उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। प्राचीन टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो भगवान होते हैं उनकी जो पदवी होती है हर किसी से ऊंची होती है, और हमें उनके सामने झुककर चलना चाहिए। तो इस तरीके से हम जब इस मंजिल के ऊपर आते हैं तो हमें हमारा सर झुकाकर चलना पड़ता है, और साइड में कुछ इस तरीके से रोशनदान बने हुए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए मैं आपको अच्छी तरीके से रोशनदान दिखाता हूँ कि कैसे हैं वो। दोस्तों अभी हम सेकंड मंजिल पर है ईदगाह की, और ये जो आप चारों तरफ देख रहे हैं ये रोशनदान है, ये काफी सारे बने हुए हैं इस ईदगाह के ऊपर। और यहाँ पर हम अभी आगे जा रहे हैं, और देखिए ये जो रोशनदान है कितना खूबसूरत बना हुआ है, और आपको अभी काफी आवाज आ रही होगी क्योंकि साइड में ये जो आपको दिख रहा है ये हाईवे है, और ये इंदौर इच्छापुर हाईवे है, तो ये बहुत ही भरा रहता है, इस कंटिन्यू इस पे गाड़ी चलती रहती है। तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये ईदगाह सेकंड मंजिल पर बना हुआ है। अब हम इस पर आगे चलते हैं, और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से गाले आते हैं, तो ये गाले किस काम के हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं इस तरीके से मीनार के अंदर। तो ये जो आपको ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ये गुंबद है, मीनार का आखिरी जो गोल होता है ये आखिरी है, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से है, और वहां पर देखिए परवेज भाई और जब्बार भाई दोनों बैठे हुए हैं, और वो भी उनके कैमरे में कुछ देख रहे हैं। परवेज भाई, जब्बार भाई, हेलो कर दो। हाय,
देखो वो एकदम वहां पर बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से वो ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधे ऊपर और ऊपर देखते हैं कि ऊपर से ये ईदगाह कैसी दिखती है। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो गाले हैं ये किस काम में आते हैं। तो देखिए, आपको इस तरीके से एक हाथ यहाँ रखना है, एक हाथ यहाँ रखना है, और इस तरीके से आपको ऊपर चढ़ना है और गालों की मदद से आपको ऊपर चढ़ना है। देखिए इस तरीके से, और ये आपको ईदगाह के ऊपर लेके जाएगा रास्ता। तो देखिए इस तरीके से हम ईदगाह पर आ जाते हैं। ईदगाह ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखती है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और मैंने आपको बताया था, ये देखिए ग्राउंड ऊपर से देखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर ग्राउंड दिखता है। तो दोस्तों इस तरीके से हासिलगढ़ भी हमें सामने की ओर दिखता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम आ जाते हैं ईदगाह की छत पर, और देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये सारा ईदगाह का ग्राउंड है, और यहाँ पर ईद पड़ी जाती थी। और देखिए ये छत कुछ इस तरीके से है, वहाँ पर एक गुंबद है, तो हम गुंबद के पास जल्दी से जाते हैं। और देखिए यहाँ पर हाईवे है, तो कंटिन्यू इस तरीके से गाड़ियाँ चल रही है, तो काफ़ी आवाज़ हो रही है और हवा भी काफ़ी तेज है। तो दोस्तों देखिए ये जो गुंबद है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इस पर देखिए अभी काम किया होगा तो वो निकल रहा है, और यहाँ पर भी देखिए एक लेयर चढ़ी हुई है, और यहाँ पर भी एक लेयर चढ़ी हुई है। तो ऐसे करके इस पर तीन लेयर चढ़ी हुई है, ये कब करिए ये नहीं बता सकते। देखिए यहाँ पर इसका ओरिजिनल फ्लोर दिख रहा है, तो ओरिजिनल फ्लोर कुछ इस तरीके से था। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये ईदगाह कवर कर ली, और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है, और सामने आपको ये दिख रहा है आसिफगढ़। तो जल्दी ही हम इस आसिफगढ़ को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आसिफगढ़ रियल में है कैसा। आपने आसिफगढ़ की कई वीडियो देखी होगी, मगर जिस तरीके से हम आपको आसिफगढ़ दिखाएंगे वह आपको मज़ा आ जाएगा, और पता चलेगा कि आसिफगढ़ को हम फुल तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से ये आसिफगढ़ है, तो जल्दी ही हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि यह ईदगाह कितनी प्राचीन और खूबसूरत है, और शाही जमाने की ईदगाह कैसी आती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ देखने मिला है तो कमेंट्स करके मुझे बताइए, और आपको कुछ अच्छा लगा है तो वो भी बताइए। मिलते हैं जल्दी ही किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।